नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। देखिए, आज एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है जिसमें आप यहां पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, किस तरह से आपको देना है, कहां कहां पे हम गलतियां करते हैं, और आज की क्लास में एक और भी स्पेशल और एक छोटा सा सरप्राइज और है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखिए, नाम आप सब जानते ही हैं, कोड मेरा क्या है, सूर्या 5, जो कि सबको आप तो जो है दिमाग में रटा हुआ है। ठीक है, बक्स बाउंटी इनिशिएटिव का जो ये एक अन अकेडमी का छोटा सा इनिशिएटिव है, ये क्या कहते हैं कि अगर कुछ एडुकेटर इनअप्रोप्रिएट पढ़ाए, या फिर वॉइस में कोई मिस्टेक आए, या फिर जो है कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार बता दीजिए भाई, सारे के सारे जो प्रेजेंट है या नहीं, एक तरह से अटेंडेंस दे दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि वॉइस एकदम प्रॉपर है सर, ताकि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बोलता रह जाऊं और आप जो है सिर्फ जो है मेरा चेहरा देखते रह जाओ। राइट है, ओके। तो सबसे पहली तो बात ये करते हैं कि आखिर ये जो इंग्लिश है, जो इतने टाइम से मैं जो पढ़ा रहा हूं, वो आखिर है क्या। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो ये है नहीं, क्या है ये, एक तरह से मैं कह सकता हूं ये एक लैंग्वेज है। और जब लैंग्वेज की बात आती है, तो लैंग्वेज को याद नहीं करते, सबसे बड़ी बात क्या है, लैंग्वेज को याद नहीं करते। तो लैंग्वेज कैसे सीखते हम, अच्छा हिंदी कैसे सीखी। देखो, अगर मैं इंग्लिश वर्सेस हिंदी की बात करता हूं, तो आप लोगों ने हिंदी कैसे सीखी होगी, आपने जब स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया था, तब आपको हिंदी बोलनी आती थी, यानी कि आप कहीं नहीं गए हिंदी सीखने के लिए, सिर्फ आपके पेरेंट्स बोलते थे, आप वो सुनते थे, आपके दिमाग एब्जॉर्ब करता था, एब्जॉर्ब करने के बाद में आपने कोशिश करी टूटा फूटा बोलने की। एकदम से तो आपने भी जो है हिंदी नहीं बोली होगी, लेकिन यहाँ पे टूटा फूटा बोलने की कोशिश करी, उसके बाद आप स्टार्ट हो गए। यानी कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग। जितना आप सुनोगे, उतना आप क्या है यहाँ पे फायदा होगा। राइट है, न्यू कट है, बिल्कुल न्यू कट। राइट, हाँ, लिसनिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, स्पीकिंग। जब आपके घर वालों को लग गया कि भाई अब इसको बोलना आ गया है या आ गई है, तो आपको कहाँ भेजा, स्कूल में। स्कूल में भी जो है आपको पहले पढ़ना नहीं सिखाया, पहले आपको क्या सिखाया, राइटिंग एंड देन रीडिंग। रीडिंग तो बहुत ही बाद में हमने सीखी थी, लेकिन सारी की सारी चीजें तो आपकी पहले ही हो गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फिक्स है, अगर आप 21 डेज, ये जो है ये तो फैक्ट, 21 डेज अगर आप किसी लैंग्वेज को देते हो, तो आप सीख सकते हो। बट मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 30 डेज प्लस एटमोस्फेयर। राइट है बिल्कुल कि 21 डेज के अंदर हम सीख सकते हैं, बट मैं आपको फैक्ट बता देता हूं एक और, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट जो है अपन ने जो कराए हैं, पढ़ाए हैं स्पोकन इंग्लिश के, तो 30 डेज और एटमॉस्फेयर जरूरी है इंग्लिश के एक्सेंट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। बट यहां पे मैं आपको क्लियरली कह देता हूं कि ग्रामर में तो मैं आपको क्या बना दूंगा, सीएंट बना दूंगा। सीएंट का मतलब क्या होता है, ज्ञाता हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझको पूछते हैं कि सर जो है इंग्लिश कैसे याद करें, सर ग्रामर तो ग्रामर के रूल्स याद नहीं हो रहे हैं, है ना, वोकैबुलरी याद नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जो बैठे हैं यहाँ पे, उन सबको भी यही डाउट है, और वही जो स्टूडेंट बैठे हैं उन्हीं का ये डाउट था मुझसे, तो मैं आज उनको बता देता हूँ। आप अगर इंग्लिश को याद करोगे तो इंग्लिश दूर भागेगी, क्लियरली बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप इंग्लिश को एब्जॉर्ब करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, यहां पे सीख जाओगे इंग्लिश, ये फैक्ट है। ठीक है, हाँ, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। राइट, ओके, हाँ बिल्कुल सही है, अब ये एकदम सही टाइम है ये जो क्लास स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे को पता था कि सारे के सारे स्टूडेंट एक बार आ जाए, उसके बाद ही स्टार्ट करें। अच्छा, एक और दिक्कत होती है कि सर हाउ टू स्पीक इन पब्लिक और इंटरेक्ट विद पीपल इन पब्लिक। सर हमको क्या है, इंग्लिश हमको समझ में आती है, ठीक है, लेकिन क्या है, जब हम बोलते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। जैसे ही पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि पब्लिक में आप कैसे तरह से बात करें, तो उसका एक मेन और बहुत ही फर्स्ट जो है शानदार फंडा बताता हूं मैं आपको। जब भी आप किसी पार्टी के अंदर जाए, किसी फंक्शन में जाए, या फिर कोई आप मीटिंग के अंदर जाए, तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो आसपास का जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर छोड़े 15 मिनट जो है न्यूज़ देख लीजिए कोई भी,
ठीक है, 15 मिनट आप न्यूज देखेंगे तो क्या है, उसी बारे में वहां पे भी चर्चा होगी कुछ ना कुछ। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी क्या है आप उन सबके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत ही जो खतरनाक वर्ड है वो है हेजिटेशन। ये आप समझ लीजिए, ये हमारे अंदर क्या है, बैठ चुका है हेजिटेशन। एक बार ये निकल गया ना, उसके बाद खत्म मैटर। ठीक है, जितनी भी फैकल्टीज है, एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अन अकेडमी में, वो कितना आराम से पढ़ा देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो उनका हेजिटेशन है अंदर वाला, जो यहाँ पे अटकता है, वो क्या है, वहां से बाहर निकल चुका है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि हेजिटेशन को खत्म करें, तभी तो आप लैंग्वेज प्रॉपर बोल सकेंगे। हिंदी में कितना फटाफट बात करते हैं, राइट है, कोई भी आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसको आप फटाफट से याद कर सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो टाई टाई फिश हो जाता है मामला। ये सच है, फैक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सबकी प्रॉब्लम समझता हूं। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये करने वाला हूं कि अलग अलग तरह के शॉर्ट्स जो यूट्यूब पर, चाहे हमारे लिंकिंग सर है, चाहे हम हैं, चाहे हमारी जो भी एडुकेटर्स हैं, वो कुछ ना कुछ आपके लिए नई नई चीज़ें लाती रहेगी। तो ये आपका एक फटाफट बता देते हैं। चलिए, हाँ, जो यहाँ पे स्पीकिंग की बात होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट है, जो हमारी डेली चलती है, डे टू डे इंग्लिश के जो सेंटेंसेज है वो मैं आपको स्पेशल क्लास में कराऊंगा। ग्रुप डिस्कशन की और जो इंटरव्यू स्किल्स है, ये हमारे सर खुद आपको सिखाएंगे, और ऐसी खूब सारी चीज़ें जो है अवेलेबल, इंटरव्यू की तैयारी जो है पूरी आपकी लिंकिंग लॉ के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, ये भी आपको फिक्स बता देते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, यहाँ पे क्या है जहाँ पे आप रह रहे हैं, राइट है, हाँ, ड्रीम पे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब हमको वहाँ पे क्या है, कुछ अलग तरह की बतानी है बात, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप जरूर समझिएगा, 100% सिलेक्शन होगा इसका। जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल कि मेरा खुद का भाई है, उसको मैंने क्या है, उसने कहा कि भाई मेरे को तो आता नहीं है इतना कुछ, तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको बता दिया 22.5 लाख का पैकेज मिला है उसको, मैं आपको बता देता हूँ, राइट है। ऊपर से एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये सब मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा क्या है सर कि आप जो है लिखाएंगे वही बोलना है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, टोटल जो मेरे 118 सिलेक्शंस हैं, ठीक है, कम ही बोले होंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो 118 सिलेक्शंस के अंदर कम से कम 50+ तो यहाँ पे इंटरव्यू के होंगे, ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर क्या टिप्स चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे बोलना है, ये सारी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। और कोई भी एग्जामिनर, कोई भी इंटरव्यूअर हाई लेवल की उसके सामने बोलोगे तो वो पास नहीं करेगा, उसके मन को छूने चाहिए आप, समझ रहे हो बात को, उसके मन को आप, वो भी अगला इंसान है, वो भी अगला भारतीय है, ठीक है, वो भी चाहता है कि जो स्टूडेंट आए वो भी सिलेक्ट होके जाए, तो आपने अगर उसका मन छू लिया तो क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन। बस चलो, आपसे पूछेंगे कि भाई आपके प्लेस के बारे में बताओ, जगह के बारे में बताओ, तो आप क्या बताएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने, किसी एग्जामिनर ने मेरे से पूछा कि अच्छा आप जोधपुर में रहते हो, सो यू लिव इन जोधपुर, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट जोधपुर, तो मैं बोलूँगा कि सर एक तो क्या है, जोधपुर को है ना ब्लू सिटी भी कहा जाता है, सन सिटी भी कहा जाता है ना, यहाँ पे सर हमारे यहाँ पे बहुत फोर्ट है, बट सर एक ऐसी चीज है हमारे जोधपुर में जो पूरे वर्ल्ड में ही कहीं नहीं है, तो अगला जो है वो सोचेगा कि यार अच्छा क्या चीज है बताइए, तो वो क्या है, क्यूरियोसिटी उसकी उत्पन्न होगी, राइट है, हाँ, तो जब क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा बताओ बताओ, इंटरेस्ट लेगा, अपने इंटरेस्ट लेगा तो अपन जो है फैक्ट निकालेंगे, तो ऐसा आप भी तैयार करके जाना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सर हमारे जो जोधपुर है उसमें क्या अकबर की तलवार पड़ी है, अकबर सोड पड़ी है, तो वो क्या है एकदम से बोलेगा अच्छा, इंटरेस्ट लेगा तो वो क्या है आपके मन के अंदर और बातें करेगा, आपसे और बातें करेगा, तो वो क्या होगा यार इसका तो सिलेक्शन करना पड़ता है यार, तो ठीक है डन कर देते हैं, ये चीज आपको चाहिए, ठीक है। टैक्टिक्स ये टैक्टिक्स होती है, ये कुछ चीजें जो है अपन धीरे धीरे जो शॉर्ट वीडियोज डालूंगा, मैं शॉर्ट्स डालूंगा ना उसमें आपको ये एक एक चीजें देखता रहूंगा। जज बने नहीं बने, लॉयर बने नहीं बने, कोई दूसरे भी लोग जो देख रहे हैं नहीं बने, बट यहां से जो आपकी लाइफ है, लाइफ आपकी अच्छी बन जाएगी, मेन चीज यहां पे ये होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं कि पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, चाहे कितना भी गलत हो जाए, नेगेटिव रहोगे तो आपका ही कचरा होगा, राइट है, और जितनी पॉजिटिविटी यहां से लेके आप चले जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते। ये तो चलो प्लेस के बारे में हो गया, आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ऐसी जगह होगी, आपके भी यहाँ पे होगा कुछ ऐसा जो आप बोल सकते हैं, तो आप ढूंढना पड़ेगा आपको, राइट, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल क्या हो जाओ, हटके हो जाओ। अगला, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में खूब सारे लोग बोलते हैं कि सर आई एम हार्ड वर्कर, जो भी मुझे काम देते हैं मैं फटाफट से कर लेता हूँ, आई एम गुड कैचर, यानी कि मैं बहुत ही जल्दी सीख लेता हूँ, ऐसी खूब सारी चीज़ें पॉजिटिव में। बट नेगेटिव में यहाँ पे क्या है, ठीक है, नेगेटिव के अंदर यहाँ पे क्या है, बोलते हैं अकबर के बारे में पूछेगा ही नहीं कोई। जब आप ऐसे बोलोगे ना तो उसका इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा तो वो सब नहीं पूछेगा। हाँ, अभी ड्रेस की बात करते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव में क्या बोलना चाहिए कि सर नेगेटिव में क्या है, तो मैं एक बहुत ही परफेक्ट तरीका बता देता हूँ, जो मोस्टली मैं बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके बताता हूँ, बट एक आपको भी बता देता हूँ कि सर एक्चुअली क्या है कि जो मुझे काम दे देते हैं ना कोई भी, यानी कि जो भी मेरे जो ऊपर वाले हैं या फिर मेरे सीनियर्स हैं, तो मेरे को कोई भी काम दे देते हैं या फिर मैंने कोई काम ले लिया होता हूँ, तो क्या है सर मैं है ना काम के चक्कर में खाना खाना भूल जाता हूँ। इस वजह से क्या है, मेरे को जो है, जो मेरी मम्मी है या मेरी वाइफ है या जो भी एक्स वाई जेड है, तो वो मुझे डांटते हैं, तो ये सर मेरा क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। इस तरह से आप बोलो, फेल, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आप ध्यान रखना है। आगे मैं छोटा सा, मैंने ये जो 10 लाइन से ये बनाए हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। नमस्कार बोल सकते हैं आप, राइट, हाँ, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कह सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या, दिस इज सूर्य प्रकाश शर्मा, आई एम फ्रॉम जोधपुर, कोई दिक्कत नहीं है, जोधपुर और राजस्थान भी बोले तो ठीक है, राइट, हाँ। फिर देखिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स एंड हैव डन बैचलर्स एंड मास्टर्स इन लॉ, चीज समझ आ रही है आपको, क्या लिखते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स एंड हैव डन बैचलर्स एंड मास्टर्स इन लॉ, इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए, माई फादर्स नेम इज मिस्टर चंदन प्रकाश शर्मा, ही इज अ बिजनेस मैन, बिल्कुल ठीक है। माई मदर्स नेम इज मिसिज मंजू शर्मा, शी इज अ होम मेकर, आई हैव टू सिबलिंग्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। माई हॉबीज आर टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरी हॉबी क्या है, देखो, टीचिंग स्टूडेंट्स, रीडिंग बुक्स एंड प्ले ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स से सारे के सारे खेलता हूँ मैं। फिर माई ड्रीम इज टू बी एन IAS ऑफिसर, फिर यहाँ पे क्या, थैंक यू, डेट्स इट। इस तरह का आपको 10 लाइन का इंट्रोडक्शन देना। अच्छा, ये नहीं है कि सर ने बता दिया 10 लाइन का यही देना है, और भी चीज़ें ऐड ऑन करो, चीज़ों को क्या करो, ऐड ऑन करो, उससे आपका क्या है, फायदा पड़ेगा, क्योंकि द बेस्ट इज ओनली यू, यानी कि क्या है, एक पर्सन में जो बेस्ट होता है वो खुद ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज सेलिब्रेटिंग के लिए नहीं लगता सर, हियर माई नेम नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है, राइट, आगे देखते हैं। हाँ, देखो, ये जो जरूरी है आपके लाइफ के लिए, छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्लास तो अभी देखो, एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सरप्राइज बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, आपकी लाइफ के लिए है, राइट। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है, तो आप थोड़ा सा तैयार करें इंटरव्यू के लिए, राइट। हाँ, बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, राइट, हाँ, राइट है। फिर क्या है, बिहेवियर जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंगर मैनेजमेंट, थोड़ा सा जब इंटरव्यू के अंदर आपसे कुछ भारी क्वेश्चन पूछ ले, तो उस समय आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपका जो फिटनेस एकदम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फूड हैबिट्स तो आपके लाइफ के लिए है। अटायर, मेन चीज़, आज के जो 21st सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अटायर। अगर आपके शूज़ प्रॉपर नहीं है, शूज़ की बात करूँ मैं, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, शूज़ प्रॉपर नहीं, आपकी हेयर स्टाइल प्रॉपर नहीं है, आपके जो बियर्ड ज़्यादा लगाया हुआ है, पता नहीं कुछ अलग अलग तरह के वो सेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सारा का सारा आपका जो है गलत हो जाएगा। इम्प्रेशन जो है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन, वो सारा किस पे है, अटायर पे है आजकल, ठीक है। हाँ, फ्रेंड मेकिंग स्किल्स हो जाती है, आपको अच्छे से सबसे बात करनी पड़ती है,
लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, हर एक तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सर अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आप डाल सकते हैं एक्सपीरियंस। सर ऐसा बोल सकते हैं कि आई कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट सर, वाई दिस इज वर्ड माई नेम, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप क्या है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अच्छा आपको समझा दूंगा, है ना, अच्छे से समझा दूंगा, राइट। बॉडी स्ट्रक्चर और प्रेजेंस अटेंड करता, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है आपकी, ये बात सही कह रहे हैं। हाँ नेल्स वेल्स तो ऑब्वियसली ये सब जरूरी है, हाँ बिल्कुल गर्ल्स के लिए ये सारा का सारा प्रॉपर एक एक चीज। यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लड़का लड़की का मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जामिनर स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट मानना है आपको, ठीक है। हाँ ये लड़का लड़की वाली बात अपनी क्लास में कब आ गई, सब एक ही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, राइट। तो देखिए जब हम कुछ ना कुछ करते हैं तो बिल्कुल मार्केटिंग ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, ये देखिए ये हूँ मैं, ये हमारी जो बेस्ट टीम है और हम यहाँ पे रैपिड रिविजन बैच ले रहे हैं, राइट। तो देखिए एमपी महाराष्ट्र एंड ओडिशा का ये बैच है, इसके अंदर क्या है कि इंग्लिश जो है सिर्फ एमपी में, तो महाराष्ट्र और उड़ीसा के अंदर तो मेरी क्लासेस है नहीं, बट सारी की सारी क्लासेस चल रही है। तो ये क्लास कब होती है, डेली 8:45 होती है, डेली 8:45 यहाँ पे क्लास होती है एमपी की, ठीक है। जिसमें क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जो है मैंने ये सोचा है कि जो 10 में से 10 मार्क्स है वो आपको गिफ्ट है मेरी तरफ से, राइट। अगला देखते हाँ, जुडिशरी मेंस, ये देखिए ये फिर से मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आरजेएस और एचजेएस की मेंस की जो तैयारी है, यानी कि कितनी बजे, सुबह सुबह 8 बजे सर्दी के मौसम के अंदर, राइट। 8 बजे ऐसे राइटिंग, पैसेज राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, सेंटेंस मेकिंग, ट्रांसलेशन, सारे के सारे इसमें कराया जाएगा, राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा जो जो स्टूडेंट्स जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आज लास्ट डेट है, ठीक है। हाँ आज लास्ट डेट यानी कि 20% ऑफ है, 30 और 31 को, 31 है, सूर्या 5 कोड लगा के आप क्या कर सकते हैं, 20% का यूज ले सकते हैं, ठीक है। हाँ राइट, आगे देखते हैं। हाँ सारी चीज़ें आज थोड़ा ना खोलेंगे, अभी तो बाकी है, आज तो मज़ा ही आ गया है। अरे आज मज़ा बाकी है, अभी अभी आप समझ लीजिए सिर्फ जो है आपको 20% मज़ा आया है, 80% जो है अगले 10 मिनट में आपको मज़ा आने वाला है, राइट है। हाँ ठीक है, उनका कहना है कि दिस इज यूज क्यू आई एम क्यू नहीं, क्योंकि ओके, फेमस पर्सनैलिटी की बात अगर मैं करूं तो जब आप इंटरव्यूअर के सामने खड़े हैं तो आप यहां पे खुद क्या है, फेमस पर्सनैलिटी है, राइट है। हाँ राइट, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है, सूर्या 5 कोड लगा के जो है आप क्या कर सकते हैं, 20% को ऑफ कर सकते हैं, यहां तक कि जो है यहां पे आपको मंथली यहां पे इंस्टॉलमेंट भी आपको मिल जाती है अवेलेबल, राइट। चलिए एक तो था पुराना वाला पार्ट जो इंट्रोडक्शन का, ये जो है एक छोटा सा सरप्राइज लेके आया हूं, तो ये ध्यान रखिएगा आप, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है यहां पे कि सर हमको पता ही नहीं पड़ता है कि कितना आप पढ़े। सर अगर विडो है तो बताइए, ये जरूरी नहीं, हाँ ये जरूरी नहीं है, विडो है तो जरूरी नहीं है, राइट है, ठीक है। हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरह से आपको खुद को मोटिवेट करना है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी मोटिवेट आपको नहीं करेगा, सेल्फ मोटिवेशन इज द राइट की टू सक्सेस, ठीक है। पेरेंट्स के पास जाइए, है ना, पेरेंट्स है आपके, वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स एक्चुअल में होते नहीं हैं, ठीक है, ये सिर्फ क्या है आपके दिमाग में है, राइट। हाँ तो यहाँ पे देखिए आपका गोल, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, आपका गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने के बाद में आपको आइडिया आना चाहिए किस तरह से आपको इस चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, फोकस, ठीक है। तो ये मोटिवेशन का राइट होना चाहिए एटीट्यूड, सबसे जरूरी चीज है। सेल्फ एटीट्यूड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि बस अहमवादी, कि मैं ही हूं, तो मैं ही हूं नहीं, मैं हूं, आप भी हैं, सब हैं, तो वो जरूरी है यहां पे। तो मोटिवेट करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने मोटिवेट खुद बने। किस तरह से बने वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए जो हमारी लाइफ है,
जो हमारी लाइफ है वो क्या है, इस तरह से चलती है। किस तरह से चलती है? इस तरह से चलती है, राइट। ये हार्ट बीट का डायग्राम भी मैंने बनाया, आप देख रहे हो, है ना। अगर आपकी हार्ट बीट अगर ऐसे चले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी लाइफ ख़त्म है, राइट। हाँ, ड्रेसिंग सेंस का बताते हैं अभी, रुको अभी, ठीक है, बताते हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ है अगर ऐसी हो जाती है तो क्या हो जाएगा आपका? यू आर डेड। तो लाइफ के अंदर क्या उतार चढ़ाव आते रहेंगे, फेलियर्स आएंगे, नो डाउट। हाँ, फेलियर्स के बाद में आपकी क्या है, सक्सेस भी आएगी, सक्सेस के बाद फिर से फेलियर आएगा, ऐसा आपके उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बहुत सारे लोगों का बिजनेस में लॉस होता है, फायदा होता है, लॉस होता है, फायदा होता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि लाइफ ही खत्म करते हैं। चलिए, एक आप मुझे ये बताइए कि ये जो सामने ये दिख रहा है ना, ये क्या है ना। मैं आपके क्रिएटिव माइंड देखना चाहता हूं कि आखिर ये जो है आपको क्या दिख रहा है, क्रिएटिव माइंड, ठीक है। मुझे तो ये क्या है, इसको जीरो लग रहा है मेरे को, कुछ ऐसा जीरो लग रहा है या ओवल शेप लग रहा है। आपको कुछ लग रहा है क्या? देखो तो यहां पे, राइट है, देखो तो फटाफट से, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए। क्या लग रहा है आपको ये? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट से। राइट है, सर्कल ऑन अ ब्लैंक, बिल्कुल, हाँ, ओके, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एम कह सकते हो आप, राइट है। हाँ, अब देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं, ये मैंने छोटा सा ये चीज ऐसे लगा दिया यहां पे, अब बताइए क्या है ये, राइट। अगर मैंने सिर्फ यहां पे क्या कर दिया है, सिर्फ यहां पे एक छोटा सा यहां पे क्या है कर दिया है ना। तो ये मेरे को बहुत अलग अलग बिल्कुल फील आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, राइट, गोल कह सकते हैं ये, एक क्या कह सकते हैं, ये गुल्लक हो सकता है, राइट, जिसके अंदर ऊपर से सिक्का डाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है अगर आप चाहें तो, है ना। हाँ, ये गोला है जिसको हमको अपने आप से भरना है, अपने बिहेवियर से, गोल से और अपने ड्रीम से फुलफिल करना है, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, स्टेडियम, हाँ, ये स्टेडियम भी हो सकता है, बिल्कुल, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गोल टेबल है, गोल टेबल पर कुछ रखा हुआ है, राइट है, फोकस हो सकता है ना, राइट, डोनट हो सकता है, स्टेडियम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है यहां पे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, चिक डोर, जो डोर है, डोर का यहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। लेकिन क्या है, जैसा मैं आपको कहता रहता हूं कि मेरी क्लासेस जो है सरप्राइज भरी होती है, राइट है। तो सरप्राइज के अंदर जो ये जो मोटिवेशन की नाम है, राइट, क्या है ये मोटिवेशन का जो नाम है, तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो ये पॉजिटिव एनर्जी जो यहां से आती है वो एक्चुअली उसका जो राज क्या है, राइट, ठीक है। तो आप सब जानना चाहेंगे कि वो राज क्या है, कि जो ये पॉजिटिव एनर्जी है जो ये आ रही है उसका राज क्या है। हाँ, राइट है, बिल्कुल, हाँ, ये तो आप सब सही बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, तो फटाफट से बताइए जो जो मोटिवेशन है, राइट, ओके, हाँ, तो अगर आपको सच में जानना है कि जो मेरे मोटिवेशन कौन है, जो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं, राइट है, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं, और जो आप सब उनको जानते हैं, बात यह है कि आप सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो उनको जानते हैं बहुत ही अच्छे से, तो राइट है, यस सर, बिल्कुल, सेल्फ नहीं, ना 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 ना, ना। यहाँ पे एक बहुत ही जो स्पेशल यहाँ पे पर्सनैलिटी है, और जो जिस क्लास के अंदर वो जाते हैं उस क्लास की जो शोभा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट है। तो कोई गैस कर सकता है कौन है?
राइट, बिल्कुल गैस करिए फटाफट से। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से हम कर सकते हैं कि जब यहां पे मोटिवेशन की बात आती है तो मोटिवेशन का जो सेकंड नाम है वो कौन है, हमारे तनसुख सर है, लिंकिंग सर है। तो आइए उनका जो इंट्रोड्यूस करते हैं फिर से हमारी इस जो स्पेशल क्लास के अंदर है, और उनसे जानेंगे कि जो हमारी जो ये एक नई तरह की जो स्टार्ट करी है हमने, राइट, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है। चलिए सर, वेलकम सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। अरे क्या प्लान कर रहे हो, मतलब ये कुछ नया लेके आ रहे हो, क्या बात है? नहीं सर कुछ नहीं, मोटिवेशन, छोटे छोटे शॉर्ट्स जो है आपके, जो आपने कहा था आपके लिए। अच्छा ओके, दैट्स रियली ग्रेट। देखो भैया ऐसा है कि हमारे सूर्या सर जो है हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहता है ना, क्रिएटिविटी का आजकल दूसरा नाम जो है 100% के रूप में सूर्या सर को अपन दे रहे हैं। तो आप लोग जो है सर के इस एफर्ट को एकदम अच्छे से इन्जॉय करना, मेन बस टारगेट ये है कि अपन को लर्न करना है चीज़ों को, और हमेशा ध्यान रखना पढ़ाई अपनी जगह पर है, लाइफ के अंदर जो एग्जाम देते हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन लाइफ के अंदर मेंटल स्टेबिलिटी वो बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी जहाँ कहीं से भी आ जाए वो अपने लिए मोटिवेशन का काम है जो कर जाती है। और ऑब्वियस बात सूर्या सर, जो सबसे पहले कैंडिडेट यहाँ पर लिख रहे, मैं कमेंट देख पा रहा था, इंसान के अंदर से एक बंदा जितना मोटिवेट हो सकता ना उतना बाहर से हो ही नहीं सकता। सूर्या सर हमारे स्कूल टाइम के अंदर हमारे एक सर जो है हमेशा एक बात कहा करते थे कि रोड जो है, रोड आप कितनी भी मतलब अच्छी बनी हुई, एक तो होता है रोड कंक्रीट वाली टूटी फूटी रोड है, अब टूटी फूटी रोड है तो फिर भी इसका इलाज है, क्या करो अच्छे वाले जूते पहन लो काम चल जाएगा। लेकिन अगर भले ही आपने बहुत अच्छी एकदम मक्खन जैसी रोड बना रखी है लेकिन अगर आपके जूते के अंदर अगर कोई कंकड़ है तो फिर वो रोड भी पार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसी तरीके से अंदर की चीज़ें हमारे लिए समस्या भी बन सकता है, ऑब्स्टेकल भी क्रिएट कर सकता है, और अंदर की चीज़ें हमारे लिए क्या बन सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरिया भी बन सकता है। तो बस सर यही शुभकामनाएं सेशन के लिए, और आप सभी लोग मस्ती से एंजॉय करो अच्छे तरीके से, और ध्यान रखना लिंकिंग लॉग की पूरी टीम आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है और रहेगी। तो थैंक यू सो मच। ओके सूर्या सर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप खुद ये चीज देख सकते हैं कि जस्ट अगर एक मिनट में यहीं पे आके इन्होंने क्या है, यहाँ पे पूरी क्लास का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मुझे भी एक्चुअल में गर्मी लगने लग गई है, बात यह है, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे पूरा जो माहौल एकदम क्या है गर्म हो गया, हॉट हो गया यहाँ पे, राइट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे मोटिवेशन होता है। अब आप खुद बताइए कि जिसके जो लीडर, मैं आपको बता देता हूँ एक फैक्ट, एक स्टोरी सुनाऊंगा यहीं पे, जो हमारे जो बेस्ट एग्जाम्पल तनसुख सर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है कि जिसके लीडर अगर ऐसे हैं तो आप सोचिए वो फैकल्टीज कैसी होगी, राइट। देखें बहुत ही जरूरी चीज है ये, मैं आपको बताता हूं, ये है हमारा काम, वर्क है, ठीक है, ऊपर जो खड़ा है ये हमारा क्या है बॉस है, और हम क्या है यहां पे वर्कर है, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, फिर देखिए यहां पे ये हमारा क्या है वर्क है, और ये क्या होता है, ये जो है ना ये है हमारे लीडर। तो ये ध्यान रखना जो वर्क के ऊपर ही यहां पे क्या है खड़े हो जाए तो वो तो क्या होता है बॉस होता है, और वो क्या है सिर्फ जो है यहां पे वर्कर से काम करवाता है, तो उसको तो हम क्या कहते हैं यहां पे बॉस कहते हैं, बिल्कुल सही भी है बॉस होता ही होता है। बट यहां पे जो खुद यहां पे आगे खड़े होके जो काम कराते हैं वो कौन होता है लीडर। तो इसके बेस्ट एग्जांपल यहां पे कौन हो गए, तनसुख सर हो गए, दैट्स इट, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप खुद भी अपने क्या है लीडर हो सकते हैं, राइट, ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो जब हम इस पे थे, ये अपना जो सेल्फ मोटिवेशन की जब मैं बात कर रहा था तो ये बहुत अलग अलग तरह के आपको सबको लग रहे थे, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्या समझता हूं, ठीक है, तो ये क्या है एक तरह से क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है, और ये जो बीच में खड़ा है ना, ये जो बीच में खड़ा है ये कौन है, आप लोग, अब चाहे लड़का हो चाहे आप लड़की हो, हाँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या है यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ सर आपको डर लगता है क्या तनसुख सर से, हाँ डर की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, राइट है, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे सपोर्ट में ही रहते हैं, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं आप सबको जानते ही हैं, राइट है। हाँ तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये है आप खड़े, ठीक है, तो जब यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ से आएगी आपकी बॉल्स,
ठीक है सब, लेकिन क्या है इसका जो रूल्स है, जैसे अपन बचपन में कहते थे ना कि इस पे लगेगा तो चौका है, इस पे लगेगा तो सिक्स है, यहाँ पे लगते ही तो आउट है, तो वैसे इसके रूल्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये रूल है कि अंदर कोई भी नहीं है, इस ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक आप हो। यहाँ पे ना तो कोई तरह का विकेट है, ना पीछे विकेट कीपर है, ना ही कोई बॉलिंग कर रहा है, ना कोई बॉलर है, ठीक है, ना अंपायर है, कोई भी नहीं है, ना कोई फील्डर है, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ से बॉल सारी कौन फेंक रहा है हमको नहीं पता कौन है, ये भी आपको बता देता हूँ। बट क्या है, आप अकेले खड़े हो, यानी कि पूरे ग्राउंड में आप अकेले खड़े हो। हाँ, बाहर जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं, अभी धीरे धीरे वो सामने आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो क्या है, पहली बॉल आई आपके पास में, जैसे ही पहली बॉल आई आपने खेलने की ट्राई करी और क्या हो गया, आपसे बॉल मिस हो गई। तो मिस हो गई तो आपके क्या हो गए, पहली बॉल में जीरो रन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बॉल मिस हो जाए तो चलेगा। अच्छा, ये बॉल्स क्या है आगे जाके पता चलेगा, ठीक है, फिर आगे देखते। दूसरी बॉल फिर खेली आपने, दूसरी बॉल खेली, तो जैसे ही आपने दूसरी बॉल खेली तो वो क्या हो गई, मिस हो गई। मिस हो गई तो क्या है, आपको मैं बता देता हूं, जो सबसे पहले आप पर जो हंसते हैं वो कौन होते हैं, फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो दोष, अच्छा दोस्त कह रहा था मैं लेकिन दोष लिखा दिया अपना आप ही, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, दोस्त लोग, जो अपने ऊपर सबसे पहले जो लोग हंसते हैं वो क्या होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं कि अच्छा इसको खेलना ही नहीं आता है, दो बॉल मिस हो गई, जीरो रन है, खेलना ही नहीं आता है, बिल्कुल। मोस्टली देख लीजिएगा आप, सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या है, हंसेंगे कौन से, अपने दोस्त ही हंसेंगे। फिर क्या है, जैसे ही आपके ऊपर जो अपने दोस्त हंस जाते हैं तो ऑब्वियसली ईगो हर्ट हो जाता है, राइट, ईगो हर्ट हो जाता है। तो ईगो हर्ट होने के बाद क्या है, आपने तीसरी बॉल खेलने की कोशिश करी, खेली, खेलते अब ईगो हर्ट हुआ हुआ था, ईगो के सामने तो यहाँ पे क्या है, कोई भी जो है जीत नहीं सकता, राइट। तो थर्ड बॉल जो खेलेगा उसकी भी क्या हो गई, एकदम मिस हो गई, बिल्कुल मिस हो गई जैसे ही। तो अब क्या करे, तीनों बॉलें मिस हो गई, तो तीसरी बॉल पे जब होते हैं ना तो यहाँ पे और भी लोग हैं, वो पता है कौन है, नेबर्स, ठीक है, पड़ोसी, नेबर्स, है ना, और कौन हो सकते हैं, रिलेटिव्स, बहुत जरूरी है ये लोग, ठीक है, हाँ, कॉलोनी के लोग हो गए, या राइट है, बिल्कुल कॉलोनी के लोग हो गए, ये लोग अब आप पे हंसने लगे। जब ये लोग हंसने लगे तो आपको आया, यार ये क्या हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, चौथी बॉल खेली और चौथी बॉल भी क्या हो गई, मिस हो गई। सब हंस रहे हैं आप पे, तो है कॉन्फिडेंस जो है आपका, फोकस नहीं रह रहा है, सब जने हंसने लग गए। तो पीछे से यहाँ पे क्या है, और लोग हैं। अब ये लोग कौन है, ये लोग अपने क्या है, ये खिसकती रहती है थोड़ी सी, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, ये लोग क्या है, हमारे घर वाले। अब घर वाले कैसे बातें करते देखना, शर्मा जी का लड़का, ये वो, ये क्या कर दिया उसने, वो कर दिया, ठीक है। फिर अगर क्या ज़्यादा होता है तो क्या कर देते, शादी करा देते, चौथी बॉल मिस होने के बाद क्या है, शादी करा देते हैं लोग, है ना। शादी नहीं होती तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट जॉब कर लीजिए। लेकिन फिर भी क्या है, जो हम लोग हैं, हम लोग तो बहुत डीट लोग हैं, क्या है, डीट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही डीट है तो यहाँ पे क्या है, हम लोग फिर पांचवी बॉल खेलने की कोशिश करते हैं। हिम्मत देखो इसकी और अपन सब की, कि क्या है, यहाँ पे पांचवी बॉल खेलने की हमने कोशिश करी। तो पांचवी बॉल खेली, बहुत ही फोकस करा हमने, क्या रखा, बहुत ही फोकस किया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, शॉट मारा जोर से, बट बॉल मिस हो गई। फिर से क्या हो गई, बॉल मिस हो गई। पांचवी बॉल भी यहाँ पे क्या हो गई, मिस हो गई। तो मिस होते ही यहाँ पे क्या है, लोग क्या करते हैं, सुसाइड, ड्रग एडिक्ट, है ना, ऐसे खूब सारे लोग जो है यहाँ पे हो सकते हैं, राइट है। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा लफड़ा चलता है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, हिम्मत होती नहीं है यहाँ पे खड़े होने की। अब करे तो करे क्या, खड़े होए तो होए कैसे। तो जैसे ही यहाँ पे छठी बॉल खेलने की कोशिश करते हैं हम लोग जो है, हम लोग पांचवी बॉल में अक्सर हार बांध जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो है आरजेएस और एचजेएस के अंदर जो लोग फेल हुए थे, है ना, अब एक्चुअल में वो फेल नहीं होता है, हम पास नहीं हो पाए, राइट, फेल नहीं हुए। तो क्या है, वो छठी बॉल खेलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो अपन खड़े हैं, जो इस स्टोरी के अंदर है, तो यहाँ पे क्या है, छठी बॉल हमने खेलने की कोशिश करी, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ में खेलने की कोशिश करी, और फिर क्या मारा, उठा के सिक्स, क्या मार दिया हमने, सिक्सर मार दिया, बात ही खत्म हुई यहाँ पे, ठीक है। छह बॉल छह रन हो गए हैं हमारे,
कितने हो गए, 6 बॉल 6 रन, सारे के सारे मुंह बंद, सब सब खत्म, मैटर हो गया कि 6 बॉल 6 रन हो गए। अच्छा अब एक और मैं बताता हूं, जब रूल ये था कि कोई भी तरह की स्टोरी नहीं थी, है ना, कोई भी तरह के लोग नहीं थे, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो भाई किसने कहा आपको कि 6 बॉल्स होनी चाहिए एक ओवर के अंदर, राइट? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बॉल्स है ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब कर लेंगे वो आप सक्सेस पा लेंगे, जो अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब कर पाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से हमको 6 के 6 बॉल नहीं, आगे वाली जो सारी बॉल्स है वो सारी अपन को ग्रैब करनी है और एकदम क्या करना है, सक्सेस पाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फोकस करिए लाइफ पे, एग्जाम पे फोकस करिए और एक ही फोकस करिएगा, ठीक है? तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अब ये लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ये कह रहे हैं, देखो, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन ऑफ फेलियर। ठीक है, सेलिब्रेट को, सक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके फेलियर्स के लेसन है वो सीखो। ये कौन कहते हैं भाई, बिल गेट्स कहते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट नंबर है, अभी तो एलन मस्क चले, लेकिन अगर ये अगर दान नहीं देते प्रॉपर्टी तो ये हो जाता, सेकंड हमारे इंडिया के, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, यानी कि मैं क्या है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। समझ रहे हो बात को, यानी कि मैं नहीं, मुझे नहीं पता ये डिसीजन सही है या गलत, ठीक है, भले ही गलत भी हो, लेकिन क्या है, पहले मैं डिसीजन ले लेता हूं और उसको क्या कर देता हूं, सही बना देता हूं। तो ये आपकी लाइफ में अगर हो जाए तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है? आगे देखिए, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए बेस्ट एग्जांपल्स हैं, रजनीकांत को आप जानते ही हैं, 25 साल में जो क्या थे ये, है ना, बस कंडक्टर थे, आज भगवान मानते हैं लोग, ठीक है। बिल गेट्स आपको देखो, आई डिडंट इवन कंप्लीट माई यूनिवर्सिटी एजुकेशन, राइट है, ठीक है। धीरूभाई अंबानी, आई वर्क इन अ पेट्रोल पंप, एकदम परफेक्ट। सचिन तेंदुलकर को जो 10th स्टैंडर्ड फेल है, एआर रहमान को जो है एजुकेशन ड्रॉप आउट है, फिर यहाँ पे क्या है, अब्राहम लिंकन, ठीक है, बचपन से ही जो है गरीब फैमिली से थे लेकिन अब कहाँ तक पहुँच गए। शाहरुख खान देखो, 10 रुपये 20 रुपये लेके जो है फिल्म सिटी जाया करते थे, अब फिल्म सिटी पूरी इनकी है, राइट है। लियोन मेसी को आप सब जानते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सर्व टी, चाय बेचते थे ये, है ना, थॉमस एल्वा एडिसन है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से जो है हमारे तनसुख सर है, ठीक है, तनसुख सर ने गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी आपको पता है, ताकि क्या है कि जो स्टूडेंट्स के आगे थे आगे जाए, है ना, सबको जज बनाए, तो मेन चीज़ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मेरा जो कहावा है, गो विद द फ्लो, तो इस पर फोकस रखिएगा, हमेशा क्या है, हमको बहाव के साथ साथ चलना पड़ता है, राइट है, गो विद द फ्लो, राइट। हाँ, चलो वापस से आप यहाँ पे आ जाते हैं, जब आप क्या है यहाँ पे अन अकेडमी का कोर्स लेते हैं तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको, सारे के सारे बैच आपको उनका एक्सेस मिलता ही मिलता है, राइट है। उसी के साथ में क्या है, जो स्पेशल क्लास है यहाँ पे, जो डेली मेरी 1 बजे होती है, आज नहीं है, ठीक है। आज क्या ज़्यादा मोटिवेट कर दिया ना मैंने लोगों को, तो क्या आज नहीं लूँगा ये क्लास, कल लूँगा मैं, कल से वापस 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका देखो मैंने आपको क्या कहा, सरप्राइजेज मैं देता रहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि 1 फरवरी से आपके अगले 7 दिन सैंपल पेपर्स जो मैंने बनाए हैं इंग्लिश के, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ये सैंपल पेपर्स भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल आपका इंग्लिश में हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके हमारी क्लासेस चलती, कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पोल्स मिलते हैं, रेज अ हैंड, यानी कि यहाँ पे क्या है, राइट, मॉर्निंग क्लासेस परसों से नहीं, कल से है, कल से, राइट। हाँ, कोई भी क्लास मिस नहीं होने देता, लेक्चर नोट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, और किसी भी समय किसी भी जगह और किसी भी डिवाइस पे आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंकिंग लॉस इंग्लिश नाम से है, या फिर आप क्या है अन अकेडमी लिंकिंग लॉस ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुई ये क्लास, मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि अब आपको होमवर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले तो 15 मिनट्स की रीडिंग करनी है डेली, इसका रीज़न आपको मैं बता देता हूँ, लॉ के अंदर भी काम आएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के पे ये चीज़ काम आने वाली है, राइट। हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, 10 वर्ड्स और 10 सेंटेंसेस अगर आप डेली करते हैं जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है,
पैराग्राफ ऑन माई एक्सपीरियंस विथ लिंकिंग लॉज, यानी कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है माई एक्सपीरियंस विथ लिंकिंग लॉज और उसको भेज देना है। अच्छा, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे एक्चुअल में आप अगर भेजेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपका ऑल्सो इंट्रोडक्शन तो देना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होमवर्क है छोटी सी। हाँ राइट, टेलीग्राम पे आप मैसेज कैसे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जैसे ही आप इस जाएंगे उस पर, तो वहाँ पे क्या है, मेरी नोटिफिकेशन लिखी हुई आएगी, तो उस पर क्लिक करते या फिर पीपल में जाके सूर्या सर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये तो थी हमारी छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी क्लास, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स है, जो दूसरे लोग भी पढ़ने वाले हैं, तो वो भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सके, और जो सही इंट्रोडक्शन देते हैं वो आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज ही से मैं तो कहता हूँ कि मोटिवेट आप होते रहिए खुद से ही। चलिए फिर, थैंक यू।